हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज़ यूपीआई लिमिट इन येस बैंक। तो यहाँ पे आपको मैं दो अलग ऑप्शन बताने वाला हूँ कैसे आपको यूपीआई लिमिट को इंक्रीज़ करना है। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला ऑप्शन आपको जीमेल के थ्रू बताऊँगा, तो आपको भी जीमेल ओपन करना है। यहाँ पर आपको अपने बैंक को रिक्वेस्ट भेजना है। तो दोस्तों, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम का कॉलम लिखना है और उसमें आपको अपना नाम लिख देना है, जो नाम आपका बैंक अकाउंट में है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके नंबर का कॉलम लिखना है। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर सबसे लास्ट में आएगा रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको भी सेम टू सेम कॉपी करके लिख लेना है। मैंने एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जो हर किसी के समझ में आ जाएगा इजीली। तो आपको लिखना है प्लीज़ इंक्रीज़ माय यूपीआई लिमिट इन येस बैंक। ये लिखने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिख रहा होगा, तो वहाँ पर आपको लिखना है यूपीआई लिमिट इंक्रीज़ रिक्वेस्ट इन येस बैंक। दोस्तों, अगर आप सब्जेक्ट के कॉलम में अपने बैंक का नाम मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट के कॉलम में ऑलरेडी बैंक का नाम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपको येस बैंक की जीमेल आईडी डालना है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा येस बैंक के, और उसके ऐप्स भी मिल जाएगा। तो ईमेल आईडी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक होगा तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पे आपकी यूपीआई लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आपको ईमेल चेक करने के बाद सेंड करना है। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 48 आवर्स में आपकी यूपीआई लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पहला ऑप्शन। अगर ये आपके लिए वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने बैंक को रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल करना है, कस्टमर केयर नंबर पे या टोल फ्री नंबर पे। वहाँ पे कॉल करके आप यूपीआई लिमिट इंक्रीज़ का प्रोसीजर पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपको इजी और बेटर लगता है, वहाँ से आप अपनी यूपीआई लिमिट इंक्रीज़ करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू है और सेकंड ऑप्शन कस्टमर केयर के थ्रू है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपका यूपीआई लिमिट इंक्रीज़ हुआ यानी येस बैंक में। और दोस्तों, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय।